ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्योंकि पिछले दिनों कोविड की वजह से फिर जो ये गलतफहमियां और वैक्सीन तो बहुत ज़रूरी था कि आपके सामने हम इस वक्त जो कोविड की सिचुएशन है जो आगे वैक्सीनेशन जिस तरह उसकी सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। ये तो आप सबको पता है और मैंने हमेशा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोविड कहीं गया नहीं, कोविड मौजूद है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हर किस्म की हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। वैक्सीन का सिलसिला तो शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह अगले दो दिन बाद, लेकिन उसकी प्रायोरिटीज हम आपको बता देते हैं। आज के दिन में अगर मैं बताऊँ आपको तो 443 नए केसेस सामने आए, 443, और इसके अंदर डेथ्स जो हैं वो 11 हैं। अगर मैं डेली एवरेज में परसेंटेज आपको बताऊं तो लाहौर 3.79 इन्फेक्टिविटी रेट है, रावलपिंडी का 1.9, मुल्तान 1.3 और फैसलाबाद 3.3। एवरेज नंबर ऑफ टेस्ट जो आज के दिन में हुए हैं वो तकरीबन 15,000, और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारी अभी भी बाकी सूबों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है, और उसका बहुत फ़ायदा इसलिए हो जाता है कि नेचुरली जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं और लोग आइडेंटिफाई करते हैं, बल्कि इसके ऊपर हमें बहुत सारे तारीफी कलामात जो हैं वो भी उन्होंने अप्रिशिएट किया कि जिस तरीके से हम सिचुएशन को फिर कंट्रोल करते हैं कि लोगों को बार बार एडवाइस करते हैं कि आप घर से ना निकलें, आइसोलेट करें और आइसोलेशन के अलावा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे SOPs फॉलो हो रहे हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के, वो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सूबों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। और उसके अलावा फिर हम इंश्योर करते हैं कि जो स्मार्ट लॉकडाउन हैं, अगर मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त लॉकडाउन लाहौर के अंदर जो है वो तकरीबन 18 है, गुजरावाले में 1 है, गुजरात में 1 है, 3 हाफजाबाद में, और ये लॉकडाउन के तहत कोई 5634 लोग जो हैं उनको हमने आइसोलेट किया हुआ है। वजह ये है कि इनकी फैमिलीज में और घर के अंदर लोग उनको क्वारंटीन पीरियड, सो एवरीथिंग इज बीन फॉलोड अकॉर्डिंगली। और अल्हम्दुलिल्लाह हम प्लेटो पहले कर गए थे, इसका मतलब है वी वर हैविंग अ स्ट्रेट लाइन, जितने केसेस आ रहे थे उतने केसेस घर भी वापस जा रहे थे, अल्लाह की मेहरबानी से शबा होके उठी। अब इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता नंबर जो है वो कम हो रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आज खुल गई, SOPs बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे हैं, सेक्रेटरी साहब ने पूरी हमारी टीम तैयार है, दो दिनों के बाद बाकायदा यूनिवर्सिटी वालों के साथ सेमिनार्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ सबको बता रहे हैं कि आप लोगों ने इंश्योर किस तरह करना है कि प्रॉपर SOPs फॉलो हो। तो उसके अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलरली प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है एक बड़ा रोबस्ट रोल प्ले कर रहे हैं रिगार्डिंग स्कूल्स इन क्लोज कोलैबोरेशन विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो 8 तारीख को सिचुएशन की बाकायदा हम रिव्यू करेंगे कि स्कूल कॉलेजेस खोलने से क्या असर हुआ है, हमने आगे मजीद कितने लॉकडाउन करने हैं, ये हम इंशाल्लाह आपके साथ 8 के बाद शेयर करेंगे जब सारे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे सामने। वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कोई 5 लाख डोजेज जो हैं वो साइनोफार्मा जो कि स्टेट ओन्ड कंपनी है चाइना की, बतौर तोहफा और डोनेशन चाइनीज हुकूमत ने पाकिस्तान के फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भेजी। तो आपकी वसादत से मैं चाइनीज गवर्नमेंट की शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि चाइनीज हमेशा हमारा दोस्त रहा है चाइना, और हमेशा इस मसले के अंदर उन्होंने पहल की। तो जो पहली कंसाइनमेंट है वो इस्लामाबाद पहुंच गई है, और इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट ने NCOC के तहत एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल अमाउंट में अकॉर्डिंग टू द हेल्थ वर्कर्स विच हैव बीन रजिस्टर्ड, जितने हमने हेल्थ वर्कर्स रजिस्टर किए हैं उसके मुताबिक उन्होंने वैक्सीन जो है वो इंशाल्लाह आज शाम को कल सुबह तक हम कलेक्ट कर लेंगे। बुध वाले दिन फॉर्मली पूरे पाकिस्तान के अंदर, अभी मैं NCOC की मीटिंग से आ रही हूँ, उसमें ये डिसाइड हुआ है कि बुध वाले दिन फॉर्मली सारे चीफ मिनिस्टर्स वर्चुअल तरीके से जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके बारे में वो एक दफ़ा हम इंशाल्लाह वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। और ये यहाँ नहीं ख़त्म होगी, जो सबसे खुशखबरी है वो ये है कि AstraZeneca से
170 मिलियन यानी सॉरी 17 मिलियन वैक्सीन जो है वो कोवैक्स ने पाकिस्तान के लिए प्रोक्योर कर ली है और वो इंशाल्लाह इस महीने और फर्स्ट वीक में से आना शुरू हो जाएगी मुसलसल। तो हमारा जो क्राइटेरिया है, जो अभी मैं आई विल रिक्वेस्ट कैप्टन उस्मान साहब को कि ये आपको ज़रा जो हमने सारा अरेंजमेंट किया उसकी 5 मिनट में डिटेल बता देंगे कि एनसीओसी की जो टीम आई थी उसने बहुत आके अप्रिशिएट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने अपना तरीका, अपनी जो स्टोरेज का काम है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन का लगाने का उभार। तो मैं ओवर टू उस्मान फॉर 5 मिनट्स एंड देन आई गेट बैक। हमने जी पंजाब के अंदर 189 एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स अभी तक बनाए हैं और इन वैक्सीनेशन सेंटर्स को हमने इक्विप किया है ताकि हमारी जितने भी लोग जिनकी वैक्सीनेशन हो उनका डिजिटल रिकॉर्ड जो है उसके ऊपर रखा जा सके। अभी तक हमने जो हमारी डेफिनेशन थी फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की उस डेफिनेशन के मुताबिक लगभग 4 लाख के करीब लोगों की रजिस्ट्रेशन कर ली है। ये रजिस्ट्रेशन साथ साथ हो रही है, इसमें एक बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद जनरल प्रैक्टिशनर्स की भी है जिन्होंने अभी रजिस्टर होना है और वो जब इसमें रजिस्टर हो जाएंगे तो इसमें सब्सिक्वेंटली फिर हमने अपनी ओल्ड एज पॉपुलेशन को ऐड करना है, 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग और फिर उसके बाद 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग इसमें ऐड होंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये जो एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं इनकी लोकेशंस और इनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। पूरे पंजाब में अब तक हम तकरीबन 600 से ज़ायद लोगों की 36 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ट्रेनिंग करा चुके हैं। 72 हमने मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए हुए हैं, जिस जिस ज़िले में ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मजीद एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है उनको बनाया जाएगा और उनको इक्विप करके वहाँ से वैक्सीनेशन जो है वो की जाएगी। फिल वक्त जो है फेज़ वन के अंदर हमारी जो इस वक्त प्रायोरिटी है, जिस तरह मिनिस्टर साहब ने आपको बताया कि हम अपने जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्होंने खास तौर पे कोविड के अंदर ट्रीटमेंट किया है उनको हम इस वक्त जो वैक्सीन हमारे पास आ रही है उनको प्रायोरिटाइज करके हम ये वैक्सीन उनको लगाएंगे। फिर उसके बाद हम सब्सिक्वेंटली जो लो प्रायोरिटी के लोग हैं उनके ऊपर फिर बाद में जब सेकेंड खेप आएगी उसके अंदर उनको वैक्सीनेट करेंगे। फिल वक्त जो हमारे पास वैक्सीन आ रही है ये 17,000 लोगों के लिए काफ़ी है। इसकी सेकेंड डोज जो है वो हमें 21 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी क्योंकि हमने दोबारा फिर इसकी सेकेंड डोज भी इन्हीं लोगों को लगानी होगी, तो उसकी सेकेंड डोज भी हमें इंशाल्लाह 21 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी। मैं इस बात के हवाले से भी लोगों को इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि चूंकि इस वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज की अरेंजमेंट होना ज़रूरी है, हमारे पास पंजाब के अंदर सफिशेंट क्वांटिटी के अंदर ILRs अवेलेबल हैं। तमाम ज़िलों के अंदर 2,500 के करीब हमारे पास ILRs हैं और हमने अपनी कोल्ड चेन मैनेजमेंट जो है और इसके साथ साथ जो इस वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसकी सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स है वो भी हमने लाहौर पंजाब पुलिस के साथ मिलकर उसकी अरेंजमेंट भी कर ली है और इंशाल्लाह ताला इसको बहिफाजत जो है वो तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पे ला के लोगों को वहाँ पे उसके मुताबिक प्लान के मुताबिक वैक्सीनेट किया जाए। अब जो अहम चीज़ है वो अगली बात है वो ये है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। वजह ये है कि आपको पता है कि कौन साइना चाइनीज के साथ हमने एक बाकायदा ट्रायल की है। ट्रायल की इस वक्त एफिकेसी के ऊपर कैनेडा के अंदर बाकायदा एनालिसिस हो रहे हैं, अगले 2 हफ्ते के अंदर हमारे पास नतायज आ जाएंगे। और ये आपको मैंने पहले बताया है ये साइनोफार्मा से आई है। एस्ट्राजेनेका वाले जो हैं वो 170 मिलियन देंगे हमें, सॉरी हर बार 70 मिलियन देंगे और ये पहली देंगे। दे आर कमिटेड टू गिव इट टू फॉर द 20% ऑफ पॉपुलेशन, 20% पॉपुलेशन के लिए फ्री वैक्सीन कोवैक्स ने देनी है। कोवैक्स बेसिकली कोलैबोरेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, गावी का, जो पहले भी वैक्सीनेशन में हेल्प करते रहते हैं वो सारे उन मुल्कों के लिए जो जैसे हमारे मुल्क है उनके लिए वो परचेज करके बाकायदा हो तो दे ऑलरेडी, वो तो आपने ट्वीट भी पढ़ी होगी, खबर भी लगी हुई है, असद उमर साहब ने भी बताया कि दे आर कमिटेड कि इस महीने के आखिर या फर्स्ट वीक से आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कौनसाइना का जब नतायज आएंगे सामने और इंशाल्लाह मुस्बत नतायज आएंगे तो सबसे पहले उनकी हमारे साथ कमिटमेंट है कि हमें जितनी तादाद में वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी वो इंशाल्लाह हमारी वैक्सीन हमें सप्लाई करेंगे। हुकूमत पंजाब ने पैसे अलहदा वैक्सीन के लिए रखे हुए हैं कि अगर हमें प्रोक्योर करने की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास इंशाल्लाह कोई 1,80,00,000 रुपए अलहदा भी रखे हुए हैं। मजीद की ज़रूरत पड़ेगी तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप बिल्कुल वैक्सीन के मसले में परेशान ना हो। अच्छी बात यह है कि वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट न सिर्फ हम उन हेल्थ वर्कर्स को दे रहे हैं
जो हमारे सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं, बल्कि उन वर्कर्स को भी हम देने लगे हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिन्होंने कोविड के मरीजों का ख्याल किया है, उनकी भी बाकायदा लिस्टें हेल्थ केयर कमीशन ने तैयार की हैं। जितना हिस्सा हमारे वर्कर्स को मिलेगा उतना ही जुडिशियसली हम उनको भी देंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मैं इसलिए आपको सारी बातें बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ फैलाई जा रही थी। प्रायोरिटी हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स है वन, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स ने आप सबका ख्याल रखना है। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन हो, उसके बाद जैसे सेक्रेटरी साहब ने एक्सप्लेन किया है, अगली खेप जो है आपकी वो है जिन लोगों की उम्र 65 साल से ज़्यादा है, वो हमने ऑलरेडी डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है अपना अपना नागरा से, उनको मिलेगा। और उसके बाद अबाव एज 60, फिर अबाव एज 55, और फिर इंशाल्लाह अगर मजीद ज़रूरत पड़ी तो ये मैं पूरी तसल्ली पंजाब के लोगों की करवाना चाह रही हूँ कि आपको जो ये गलतफहमियाँ सामने आ रही हैं आप बिल्कुल ना सुनेगा। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारी सबसे वल्नरेबल पार्ट है सोसाइटी का, जिसमें हमारे बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, इंशाल्लाह सबको वैक्सीनेशन अगले 4 से 5 माह के अंदर वाफर मकदार में सारा मिल जाएगा। मतलब ये प्रोसेस जो है ये मुसलसल परसों से चलना शुरू होगा और ये चलता रहेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी देयर कॉन्स्टेंट। कुछ और मैं आपके सामने बातें रखना चाह रही हूँ, तो बहुत ज़रूरी है कि ये खबर भी निकले ज़रूर बाहर। आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारी हुकूमत आई है हमने 2-3 चीज़ों पे बहुत काम किया हेल्थ के अंदर, क्योंकि हमेशा शिकायत ये होती थी कि अमले की कमी है इसकी वजह से अस्पताल ठीक नहीं चल रहे, दवाइयों की कमी है, पैसे नहीं हैं, इसलिए हमने इंश्योर किया कि जब से हमारी हुकूमत आई है हमने 32,000 नए एम्प्लॉइज हायर किए, जिनके अंदर डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिक्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो अपना फार्मासिस्ट हैं, और पहली दफ़ा मेल नर्सेस हायर किए हैं। तो हमने इंश्योर किया कि हम ये सारा कुछ कर लें। उसके बाद दवाइयों के, मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था, 42 अरब रुपया दवाइयों के लिए मखसूस करके हॉस्पिटल्स को बाकायदा दे दिया गया है टू इंश्योर कि मरीजों के लिए फ्री मेडिसिन, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, एड्स, इसकी बाकायदा मुकम्मल लिस्टें हमारे पास हैं और मुसलसल मरीजों को फ्री मेडिसिन मिल रही है। तीसरी अहम चीज़ थी कि इंस्ट्रूमेंट्स के में था कि जी इक्विपमेंट में पुराना इक्विपमेंट ने काम नहीं करा, 10 अरब रुपये का इस साल इक्विपमेंट लाया गया। अब जब ये सारी चीज़ें मुकम्मल कर दी हैं तो हमारी 2 सर्वेलेंस टीम्स बनी हुई हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर की जिसको लीड कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर जनरल अपना हारून साहब, और दूसरी तरफ आसिफ तुफैल साहब को ये ड्यूटी दी गई है टर्शी केयर से। हॉस्पिटल्स की हर रोज चेकिंग हो रही, और आप लोग खबर भी सुन रहे होंगे, हर ये आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं बता दूँ, हॉस्पिटल मस्ट इंश्योर सफाई, अटेंडेंस, आपके वहाँ डॉक्टर्स मौजूद हों, दवाइयों के बारे में हमें कोई शिकायत ना हो, तो वरना उसी तरह एक्शन लेंगे जिस तरह आपको पता है कि हमने एक्शन लिया है पिछले दिनों सादरे हॉस्पिटल का, वी हैव टेकन एन एक्शन अगेंस्ट शेखुपुरा, वी हैव टेकन एक्शन, कल ही की बात है आपको पता है कि डीजी गए थे वहाँ उकाड़े में, एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट दैट। सो वी मस्ट इंश्योर किसी तरीके से भी, उस्मान बुजदार साहब हमारे चीफ मिनिस्टर का हुक्म है कि किसी तरीके से कोई मरीज कभी तंग हुआ तो वी विल देन इंश्योर कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको टास्क, बिकॉज तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, नौकरियां बढ़ा दी हैं, फिर सबसे बड़ी ये बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी हुकूमत ने 44 स्कूल्स जो थे नर्सिंग को उनको कॉलेजेस में कन्वर्ट कर दिया नर्सेज के लिए, और नर्सेज का स्टाइपेंड जो है वो 21,000 से 31,000 पे चला गया, 31,000। एक बच्ची जब दाखिल होगी नर्सिंग कॉलेज के अंदर तो उसकी पहले दिन से उसको 31,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। नॉट ओनली दैट, नंबर ऑफ सीट्स हैव बीन इंक्रीज, 1600 से हमने इस वक्त 2350 सीटें कर दी। अगली जो अहम बात है आपके सामने रखने की वो हेल्थ कार्ड्स के बारे में, आपको पता है कि खान साहब का और उस्मान बुजदार साहब का, इमरान खान साहब की एक विजन है कि हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह सेहत की सहूलत जो है उस पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो एसेट है,
हम कहते हैं हमारा मुल्क का एसेट हमारे लोग हैं, हमारी कौम है। अगर आप इनको सेहत की और एजुकेशन की सहूलतें दे देंगे तो इंशाल्लाह ये कौम जो है एक बहुत बड़ी कौम बन के एमर्ज होगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 100% आपको पता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज शुरू हो गया थ्रू इंश्योरेंस। इंशाल्लाह इस साल के एंड तक हम भी पूरे सूबे के अंदर 2,93,00,000 93 लाख फैमिलीज जो हैं उनको हेल्थ कार्ड दे दिया जाएगा। इस माली साल के अंदर साहिवाल डिवीजन और अपना डीजी खान डिवीजन वो इसी माली साल में उनकी 100% मुकम्मल हो जाएगा सारा कुछ, और ये दोनों डिवीजन इसी माली साल में मुकम्मल हो और बाकी जितनी डिवीजन हैं वो दिसंबर 2021 तक जो है ये सब कुछ मुकम्मल है। एक बार बार खबरें निकल रही हैं जो कि मुझे दुख भी होता है कि पहले ज़रूर वेरीफाई कर लिया जाए, मैं किसी अखबार का नाम नहीं लेना चाह रही, मेडिकल कॉलेज की सीट्स के ऊपर बड़े खप मची कि पंजाब में सीटें कम कर दें। पहले तो आप ये पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का काम किया, इस वक्त हम अभी भी 335 लोगों को अपने सूबे के अलावा सीटें देते हैं पंजाब के अंदर। ये तकरीबन आप समझे 3 मेडिकल कॉलेजेस की तादाद बन जाती है। इतने स्टूडेंट्स हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान फाटा सिंध बलोचिस्तान इन सब का कोटा हमारे पास मौजूद है। और ये जो पिछले दिनों शोर मचा के जी सिंध की सीटें काट दी गिलगित, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई सीट नहीं कटी, हमने बिल्कुल किसी सीट में कोई कमी नहीं लेके आए। मैं आपको सीटों की जो डिवीजन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि इम्पॉर्टेंट ये चीज़ थी कि हमारे शेख जायद हॉस्पिटल जो था वो पहले अपना पंजाब के पास था और वो पंजाब के मेरिट में आता था जिसमें 90 सीटें हमारे पास थी पंजाब के लिए। तो हमने जो कोटे की सीट्स थी वो अपना मैं आपको ये बता दूँ जो हमारी कोटे की सीट्स थी फातिमा जिना में वहाँ हमने कम करके हमने अपनी 47 सीटें फातिमा जिना में रिटेन की ताकि जो सीटें हमारी कम पड़ रही हैं शेख जायद में पंजाब वालों को एक सीट भी नहीं कम। तो सारी सीटें मुकम्मल हैं। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में शोर मचा हुआ था तो मैं आपको क्लियर करती जाऊँ 55 सीटें गिलगित बल्तिस्तान की उसी तरीके से हैं, सिर्फ ये है कि अपने सारे मेडिकल कॉलेजेस में हमने रीडिस्ट्रीब्यूट की है ताकि सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर उनकी सीटें हों। 2 सीटों की कमी इसलिए आ रही है कि शेख जायद ने उनको 4 सीटें देनी थी कोटे के मुताबिक क्योंकि अब वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, उन्होंने उनको 2 सीटें दी है। हमारी तरफ से अभी तक बिल्कुल कोई कमी नहीं। आज़ाद जम्मू कश्मीर सिंध के रिजर्व सीट फॉर फॉरेन ग्रेजुएट्स उसी तरीके से सारी मेडिकल कॉलेज की सीट्स मौजूद हैं। तो ये जो अफवाहें उड़ती हैं जिन्हें सीटें कम कर दी हैं तो मैं आपको पूरी तसल्ली दे दूँ कि कोई सीट कम नहीं हुई। ये भी बता दूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की कोई सीट कम नहीं हुई, हमने कहीं किसी की सीट कम नहीं की। सिर्फ एडजस्टमेंट इस वजह से हुई है कि शेख जायद मेडिकल कॉलेज जो है वो अब आपको पता है कि इट हैज़ गॉन टू दी फेडरल गवर्नमेंट, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट के पास होने की वजह से हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाता है कि हम तो हमने वहाँ से उनका कोटा कम करके अपने कॉलेजेस के अंदर कोटा बढ़ा दिया है। इसी तरह से ये तो सब अपने स्टूडेंट्स को भी तसल्ली होनी चाहिए कि मेडिकल कॉलेज की कोई सीट कम नहीं हुई। और ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो बड़े भाई वाला रोल है ना वो हम प्ले कर रहे हैं उसी तरीके से। अभी तक हमारे पास 3 मेडिकल कॉलेजेस की तादाद हम अभी भी बाहर के सूबों से लेके उनको रिजर्व सीट्स और कोटा सीट्स दें। इसके साथ मैं सबसे आखिर में ये बात बताना चाहूँगी कि इंशाल्लाह परसों चीफ मिनिस्टर साहब वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे और ये वर्चुअली पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही वक्त में होगा। और मैं क्लियर करना चाह रही हूँ दोबारा, ये डोनेशन जो है ये हुकूमत पाकिस्तान को मिली है और हुकूमत पाकिस्तान ने अपने सारे सूबों को बिल्कुल जुडिशियसली डिवीजन करके उनसे डिस्कस करके सारे हम मिनिस्टर्स बैठे और सारे एक पेज पे हैं कि हम इंशाल्लाह 3 तारीख विच इज वेडनेसडे शुरू करेंगे। सबसे पहले अपने हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर उसके बाद जो हाई प्रायोरिटी वर्कर्स, और ये गलतफहमियां फैलाने के लिए सर ने
मंगा ली, वो पहले शुरू करने लगे हैं, मतलब एक मैं पढ़ी थी दे हिट द ग्राउंड रनिंग। मकसद ये है कि जो 5 लाख डोजेज आई हैं वो तो सब में डिवाइड हुई हैं, सिंध को भी उसी तरह मिल रही हैं। अब अगर आप उनको सवाल मैडम ये बता दें 70,000 डोजेज आपके हिस्से में आई हैं जो लगे पिंडी से डिस्पैच हो गई हैं, वो कौन से वाले, तो कौन सा हॉस्पिटल होगा जहाँ से आप शुरू करेंगे, और हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल है तो कौन से हॉस्पिटल के आपने सेट किए हैं? मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें देखें, प्रायोरिटी वाइज डिस्ट्रिक्ट जिनमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिविटी रेट है वो लाहौर है। इसी तरीके से वो सारा हमने पूरा उस स्टैटिस्टिक्स जो आपको हम बुध वाले दिन आफ्टर द चीफ मिनिस्टर अप्रूवल हम आपको बाकायदा अनाउंस करेंगे, बिल्कुल जुडिशियसली दी जाए। और मैं अश्योर करना चाह रही हूँ किसी वी आई पी को नहीं मिलेगी, मैंने नहीं लगवानी, मेरे सेक्रेटरीज नहीं लगवाएंगे, हम अपने पहले हेल्थ केयर वर्कर्स जो हमारे टॉप प्रायोरिटी है सबसे पहले उन्हें लगेगा, फिर जो हमारे बुजुर्ग हैं जो वल्नरेबल हैं उनको लगेगा, और आपको पूरी रीअश्योरेंस करें कि हम इंशाल्लाह बिल्कुल इस प्रोटोकॉल को टूटने नहीं देंगे। हमारे लिए कोई वीआईपी नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़े वीआईपी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो इस वक्त फ्रंट लाइन। अच्छा मैडम, मैडम ये बता दीजिए, ये बताइएगा कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन आपके एजेंट को फ्री लगेगी जो वैक्सीनेशन में आएगी, उसके बाद जब वैक्सीन सेकंड फेज व्हेन यू विल स्टार्ट दैट मेक इट क्लियर, क्या तमाम वैक्सीन फ्री होगा कि बाद में कुछ पेमेंट? हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि कोविड के दौरान ही हमें शुक्र है खुदा का, मैं वैसे आप सबके साथ वो शेयर भी करूँगी कि पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस सारी दुनिया ने अप्रिशिएट की, हमारे अपने लोगों ने भी अप्रिशिएट की। पंजाब हुकूमत ने सब दवाइयाँ टेस्ट सब फ्री की और 14 अरब रुपए की लागत से ये सारा खर्चा किया। अब दोबारा हमने 2 अरब रुपए हमें दिए गए कि हम मजीद इंश्योर करें कि कभी किसी मरीज को कोई तंगी ना उठानी पड़े। आपके सामने है कि 22 अब 20 हमारे बीएसएल लैब तैयार हो गए, 22,000 से 25,000 अब टेस्ट भी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते, एक दफ़ा नहीं लोगों के 3-3 दफ़ा टेस्ट हुए जब तक वो नेगेटिव नहीं हुए। और ये हुकूमत, मैं ये जो सवाल इन्होंने पूछा है आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमने हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखी, जब लोगों को लगेगा उनको नादरा की तरफ से सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि ये हेल्थ केयर वर्कर था इसको ये वैक्सीन मिल गई है। और इसी तरीके से हमारी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि हमारे लिए एक और भी एक इशू है कि जो हमारे वर्कर्स बाहर जाते हैं, जो मजदूर लोग हैं जो बाहर जाते हैं, उनके लिए भी हम एक अलहदा वो रखेंगे, बिकॉज बाहर जाने में उनको ये कि भी अगर वो वैक्सीनेटेड जाएंगे तो दे हैव मोर अपॉर्चुनिटीज, उनके लिए भी इस वक्त डिस्कशन हो रही है। हुकूमत पंजाब खुद भी अपनी मेडिसिन जो है वो प्रोक्योर करेगी, उसके लिए पैसे हमने मखसूस रखे हुए, जैसे जैसे ये वैक्सीनेशन का कोर्स होगा हमने इसको आपके लिए ट्रांसपेरेंट रखना है, वेबसाइट पर डालेंगे, कोई गड़बड़ हुई आपको लगा किसी वी आई पी को लगा मुझे आपने डायरेक्टली शिकायत लगानी है, और इंशाल्लाह आई विल इंश्योर और क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे मिलेगा या गवर्नमेंट का कुछ और क्राइटेरिया? दूसरा डॉक्टर साहब साथ ये भी ऐड कर लीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ही एनसीओसी के थ्रू सारी वैक्सीन मंगवा रही है या के दीगर प्रोविंसेस और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अपने तौर पे मंगवा? देखिए मसला ये है कि जब आपकी वैक्सीन यहाँ रजिस्टर हो जाती है जिसमें 3 वैक्सीन ये इनका ये जो एस्ट्राजेनेका का भी रजिस्टर हुई हुई है, साइनोफार्मा की भी रजिस्टर हुई हुई है, और स्पुटनिक जो रशिया की वो भी रजिस्टर हो चुकी है। प्राइवेट सेक्टर में कोई मंगवाना चाहता तो उसमें कोई पाबंदी नहीं, वजह ये है कि दैट इज देयर उनकी जवाबदारी है। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत जितनी पॉपुलेशन की जिम्मेवारी लेगी उसको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगेगी, और हम पूरी इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे लोग भी प्रायोरिटाइज हम जरूर करेंगे। वो आपको मैंने पहले बता दिया है कि जी पहले हेल्पर्स, फिर जो सीनियर लोग हैं, और फिर वो लोग मेरी तरफ से वो बड़े वल्नरेबल हैं जिन्होंने बाहर मजदूरियों के लिए जाना है, हम इंश्योर करेंगे कि उनकी भी वैक्सीनेशन हो ताकि उसको वहाँ किसी किस्म की तकलीफ। मैम अच्छा मैडम, सूबे में कितने हेल्थ वर्कर्स हैं और जो वैक्सीनेशन होगी ये कौन कौन से सेंटर्स बनाए जाएंगे और जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो लोग हैं जिस तरह पुलिस के अफराद हैं तो उनके लिए भी कोई आप लोगों का कोई? जी बिल्कुल, मैं आपको यही बताने लगी हूँ कि देखिए हमारे पास टोटल जो इस वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो तकरीबन हमारे 5 से 7 लाख, इसमें हम प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं।
आपके जनरल प्रैक्टिशनर भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हम सारों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। उनके अलावा जो ये आप बिल्कुल सही करवा रहे हैं, पुलिस हुई, आप लोग हुए, आप भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। हम इंशाल्लाह सबको जुडिशियसली करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम श्योर के अच्छा मैडम मैडम ये एक तशवीश पाई जा रही है आवाम के अंदर के जो ये वैक्सीन है इसके साइड इफेक्ट भी मौजूद है जिसके अंदर फालज और दीगर बीमारियां भी हो सकती हैं। आया कि अगर इस तरह की वैक्सीन अगर लगाने से किसी की मौत होती है या कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये भी सबसे बड़ी बात है कि हर इंसान वैक्सीन अपनी जिम्मेदारी पे लगाएगा। कोई जबरदस्ती तो किसी को नहीं लगा सकता वैक्सीन। हमने उनको बताना है कि आपका नाम है इस वैक्सीन के लिए, आप तशरीफ ले आए, वो आके लगवा लेता है, उसकी मर्जी है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, वजह ये कि ये ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है कि जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग थे, बूढ़े लोग थे बाहर के मुल्कों में, उनको लगी उनमें से कुछ की दूसरी बात है। आपने कहा कि पता कैसे चलेगा, 1166 के ऊपर मैसेज भेजेंगे और वो ऑटोमेटिकली वो बताएगा कि आपको अब हमने रजिस्टर कर दिया। और जैसे मैसेज आएगा आपको आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर हो गए, ना सिर्फ ये बताएगा बल आपको ये भी खबर देगा कि आपने कौन से सेंटर से जाके वैक्सीन लॉन्ग कॉल का। दूसरी बात इन्होंने पूछा कि लॉन्ग टाइम इसका क्या इफेक्ट है, तो देखिए इट्स अ वेरी फ्लूइड सिचुएशन। इस जिस तरह पूरा साल हमें लगा इस वायरस को समझने में, और आपको पता आपको 10 किस्म की नई म्यूटेशंस आ गई। जैसे फ्लू के बारे में पहले ये था कि आप वैक्सीनेट कर दें तो हालात वो हो जाएंगे, तो फ्लू के तो वक्त 32 किस्म की वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और लॉन्ग इट विल बी इफेक्टिव, क्या 6 महीने के बाद दोबारा लगाना पड़ेगा, लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलेगी, वट एवर इट इज, बट इंशाल्लाह ये तो जिस तरह सारी दुनिया फेस कर रही है हम भी उसी तरह करेंगे, और जैसे जैसे कोई खबर आएगी वो आपके सामने। अभी आपने बताया कि इसका कोई पता नहीं है कब तक ये कारामद साबित होती है, और दूसरा ये आपने कह दिया कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पे लगाएगा, तो ये मंगवा क्यों रहे हैं? क्या नहीं पता? एक सेकंड, आप देखिए गलत बात ना करिए कि मैंने ऐसी कोई बात, मैंने आपसे कहा है जब वैक्सीन है हमने बताना आप लोगों को लगे। अ पर्सन किसी मरीज को अकॉर्डिंग टू एथिक्स आप कोई जबरदस्ती काम नहीं कर सकते। अगर एक मरीज कहता है मैं नहीं लगवाना चाहता वैक्सीन, तो हम जबरदस्ती नहीं लगा सकते, ये बात मैंने आपको कही। अमल तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ज्यादातर लोग आके वैक्सीन लगवाएंगे, लेकिन ये मैं आपको एथिकली बता दूं, आप किसी का जबरदस्ती इलाज भी नहीं कर सकते। नंबर वन, लेट मी मेक इट क्लियर, और कोई बात नहीं। लोग साइड इफेक्ट्स के बारे में जब हम बताएंगे तो बाकायदा उनको साइड इफेक्ट्स बताए जाएंगे कि ये साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ एथिक्स कि हम उनके साथ साइड इफेक्ट्स शेयर करें। तो ये आप, दूसरा आप कह रहे हैं कि हमें पता नहीं किसके इफेक्ट, सिर्फ हमें नहीं दुनिया के किसी साइंटिस्ट को नहीं पता कि आगे फ्यूचर में इसकी म्यूटेशंस अगर हुई तो इसका क्या असर होगा। अभी आपके सामने है कि जो एक ब्रिटेन की और एक साउथ अफ्रीका म्यूटेशन है, दे फील दैट दिस इज मोर विरुलेंट, कि वो ज़्यादा इन्फेक्ट करती है, उसका इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है, उसका वो अलहदा बात है कि उसका इफेक्ट बीमारी पे कितनी तशवीशनाक बीमारी होगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये कि इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें तो साथ साथ आ रही हैं आपके सामने है। जब हमने ट्रीटमेंट शुरू की वी हैव लर्नड अ लॉट, अभी हमें समझ आ गई है कि वेंटिलेटर्स की जगह आप हाई प्रेशर ऑक्सीजन दें तो उसका बेहतर असर होता है। तो ये एक रैपिडली इवॉल्विंग सिचुएशन है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया के सारे कोने में। अच्छा मैडम क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये क्या क्या साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं, ये जरा बता दें आम को। और दूसरा ये भी बता दें कि ओपोजिशन ये कह रही है कि साइड ये जो वैक्सीन है ये पाकिस्तान ने बहुत लेट मंगवाई है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? लेट पाकिस्तान ने कैसे लेट मंगवाई है, ये ओपोजिशन कह रही है। ओपोजिशन तो आपको पता कभी खुश है वहां से, इतना अच्छा काम कोविड में हुआ, सारी दुनिया ने तारीफ की, वो फिर खड़े होकर हमारी बुराइयां कर रहे हैं। हमारा माशाल्लाह सिंध हुकूमत अपोजिशन में है, हमने इंश्योर किया कि वैक्सीन आई है तुमको भी उसका हिस्सा मिले। उनकी सारी बातें अपनी जगह, वक्त के साथ वैक्सीन आ गई है सारी दुनिया में, इसी वक्त रोल आउट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, भी बुध वाले दिन रोल आउट कर रहे हैं। आपको बताया है सारी सप्लाई जो है उसकी पूरी डिटेल सुना रही है आप लोगों को। और मैं आपको एक बड़ी क्लियरली बात बताऊँ, हम बड़े हमारी क्योंकि जिस तरह की चाइना के साथ दोस्ती रही है, इट्स वी आर ऑल वेदर फ्रेंड्स,
हमेशा चाइना ने हर तरीके से सपोर्ट किया और अभी भी ये पहला धोखा चाइना ने भेजा है और चाइनीज हुकूमत ने पूरी उसके साथ कहा है आप लोगों ने वैक्सीन साइफर को अच्छा मैडम मैम काइंडली ये बता दें साइड इफेक्ट्स देखिए साइड इफेक्ट्स देखिए जब आप वैक्सीन देते हैं तो ऑल्दो इट इज नॉट एन आरएनए वैक्सीन ये कोई लाइव अटैनुएटेड वैक्सीन नहीं है साइड इफेक्ट अगर कोई बहुत फेल हो चांसेस है उसे बुखार हो जाए या कुछ इस तरह के बहुत माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं कोई ऐसा स्पेसिफिक साइड इफेक्ट नहीं होता वैक्सीन के जैसे अटेन्यूएटेड वैक्सीन है पोलियो की इनके अपने कोई डिफरेंट वो साइड इफेक्ट होते हैं जैसे जैसे अभी वैक्सीन लगेगी लेकिन हम तो सपोज कर रहे हैं कि वैक्सीन लगेगी तो उसके सामने जिस तरह जब साइड इफेक्ट्स आएंगे दे विल बी रिकॉर्डेड एंड डिफिशिएट अच्छा मैडम ये भी मैडम साइड इफेक्ट के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि इससे वालिद भी हो सकता है एड्स भी हो सकती है और वालिद हो सकता है एड्स हो सकती है इस तरह के साइड इफेक्ट बहुत सारे ममालिक के अंदर पहले उन्होंने क्या कर दिए हैं तो आप कह रहे हैं बिल्कुल माइनस है पहली बार ये मुहिम शुरू हुई है उससे पहले 900 से ज्यादा तरबियत याफ्ता अमले की कमी थी जो स्पेशलाइज्ड नर्सिस जो है वो ली गई है इसके लिए तो ये जो कमियां हैं ये कब तक पूरी होगी ढाई साल जो है वो आपके गवर्नमेंट को भी हो गए मैं जवाब दे देती हूँ बैठ ले तो बेटा इस बात की तो दाद दे दो ये जो कमियां थी 50% 32,000 बंदा कभी सुना है कि किसी डिपार्टमेंट में आते साल डेढ़ साल के अंदर 32,000 बंदे ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूट किए पहले तो उसकी भी कभी शाबाश भी दे दिया करो दूसरी इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेटर्स का जहाँ तक ताल्लुक है ये अभी क्लियर कर लेते हैं बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीनेटर्स आप बताइए देखिए मैं ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि जिस 900 की कमी की आप बात कर रहे हैं ये कमी स्पेशल कैंपेन चला रहे हैं ये स्पेशल कैंपेन में हमने मोबिलाइज किया 15 दिन के अंदर पंजाब की अर्बन एरियाज के तमाम बच्चों को वैक्सीनेट करना है वो यकीनन डिपार्टमेंट के स्टाफ से मुमकिन नहीं है उसमें हमने स्पेशलाइज से मदद दी है इसके बाद जब ये रूटीन ईपीआई का हिस्सा बन जाएगा तो हमारे पास सफिशिएंट वैक्सीनेटर्स अवेलेबल है जो ये काम किया करेंगे मैं दोबारा वाजे कर दूं कि ये चूंकि पंजाब में 9 माह से लेकर 15 साल तक के तमाम बच्चों को हमने वैक्सीनेट करना था और एक दफा करना था इसलिए ये एक स्पेशल कैंपेन के तौर पर आए जिस तरह हम पोलियो कैंपेन में जाते हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट से लोग लेते हैं इस तरह इन 15 दिनों के लिए हमने लोग ट्रेंड लोग बोरो किए हैं स्पेशलाइज हेल्थ के डिपार्टमेंट से जो ये वैक्सीनेशन करने के बाद वापस चले जाएंगे कि पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कि वो किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो उनको जबरदस्ती एडमिट रखते हैं कि उस कार्ड में से कुछ पैसे डिडक्ट कर सकें और एक कार्ड में कितनी अमाउंट होगी और कितने फैमिली के लोग इसे फायदा अच्छा देखिए मैं नहीं बात सुनिए बेटा जहां तक हेल्थ कार्ड का ताल्लुक है सबसे पहले तो जब हम हेल्थ कार्ड किसी को देते हैं वो बताते हैं कि कौन से अस्पताल में पहले प्राइवेट इस वक्त हमारे पास 270 अस्पताल जो है वो हमने पंजाब के अंदर इंपैनल किए प्राइवेट अस्पताल निजी अस्पताल की बात 5 हमारे सरकारी अस्पताल हैं जितनी इंस्टीट्यूट्स ऑफ कार्डियोलॉजी वो सारी इसके अंदर इंपैनल अब जैसे हमारा अभी नए कार्ड का सिस्टम आ रहा है उसमें क्योंकि सर्विसेज इस तरह की हैं जो हमारे अस्पतालों में मौजूद है जैसे डिलीवरी है सर्जरी सेक्शन है एक्सीडेंट ट्रॉमा है न्यूरो सर्जरी है डायलिसिस है हम अपने अस्पताल भी उसमें पैनल करेंगे ताकि किसी का कोई कार्ड होगा और आपका जो आईडी कार्ड है आपको किसी आपका आईडी कार्ड जो है वो आपका फैमिली कार्ड है फैमिली का जो हेड है मियां बीवी और बच्चे अगर उस घर में 2 मियां बीवी हैं तो उन दोनों इंश्योर हो जाएंगे 7,20,000 के लिए अगर उनके 3 पेरेंट्स का अपना कार्ड होगा फैमिली वाइज यू मस्ट रिमेंबर एवरी पर्सन हु इज अ फैमिली कि भाई मियाँ बीवी हैं 2 बच्चे हैं मियाँ बीवी हैं 4 बच्चे हैं उसके मुताबिक उनके वे फॉर्म के मुताबिक एवरी वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी एंटाइटल्ड टू 7,20,000 7,20,000 पे ये रुकता नहीं है क्योंकि अगर वो मरीज दाखिल है अस्पताल मजीद पैसों की ज़रूरत है तो ये 10 लाख 10.5 लाख पे चला जाएगा ये पहली दफ़ा ये मैं आपको ये बता दूँ ये पहली दफ़ा एक फलाई रियासत की सोच के साथ ये बात की जा रही है कि हर इंसान का सेहत की सहूलत पे हक है हर बंदे को ये कार्ड दे दिया जाएगा और मैं आपको यकीन से बता रही हूँ कि लोगों को कई दफ़ा गलतफहमी होती है
उस अस्पताल में चले जाते हैं जिस अस्पताल में पैनल नहीं है, जो इंपैनल अस्पताल है उन सारे अस्पतालों के अंदर काउंटर लगे हुए इंश्योरेंस कंपनी के, इंश्योरेंस वाले वहां खड़े इंतजार करते हैं, वो आपके एडमिशन में फैसिलिटेट करते हैं, आउटडोर के लिए नहीं, आउटडोर के लिए नहीं है, ये इनडोर फैसिलिटीज है कि आप दाखिल हुए, आपका ऑपरेशन हुआ, आपका डायबिटीज का इलाज हुआ, आपकी डायलिसिस हुई, उसके लिए सबके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने क्योंकि पैसे देने हैं, इंश्योरेंस कंपनी खुद अपना ख्याल रख लेती है कि कोई गलत इस्तेमाल।